ZUFM 98.2 मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ, नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे मदीने के आका को दे
की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। ज्वाइन करें जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस लिटरेचर एंड कल्चर का 4 साला BS इंग्लिश प्रोग्राम। BS इंग्लिश एक इंतहाई मारूफ प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए जदीद निसाब और जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में से किसी भी शोबे का इंतखाब कर सकते हैं। इसके साथ ही इलेक्टिव कोर्सेज की वसी फहरिस्त में फोटोग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, एजुकेशन, साइकोलॉजी, जेंडर और लॉ शामिल हैं। BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स रिसर्च, तारीख, नॉवल, ड्रामा और शायरी जैसे मजामीन के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में भी महारत हासिल करते हैं। इसके साथ ही इन्हें सिविल सर्विसेज, राइटिंग और पब्लिशिंग, NGOs और हुकूमती इदारों के साथ काम करने के वसी मौके मयसर आते हैं। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट clllc.zu.edu.pk या कॉल करें 02135305790। व्हाट्सएप इंक्वायरी के लिए हमें मैसेज करें 03498213338। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। सितारों का अहवाल, लेकिन इससे पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिस, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सिस्टम है, यहाँ पर भी अपने अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना था कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है। पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर, सो घुन्नो बहुत बहुत घुन्ना बन बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सच्ची में, हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीके का पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे आप ZUFM 98.1 on Facebook and सैयदा फरहाना अली on Facebook as well। तो दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक एंड फॉलो कीजिएगा, मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा, इंस्टाग्राम सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial, तो वहां पर मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर अपने जल्दी से फॉलो कर लेना ताकि आपकी जिंदगी में बाहर निखार सवार सब कुछ आ जाए।
मजीद आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा यूट्यूब, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली कराची की गली। सो अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, क्या मसले वाली बात है, बहुत इजीली आप हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक ऑन माय हिना रेडियो ऐप। और अगर आप चले जाएंगे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो वहां पर भी आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा। बस आप परेशान नहीं होना, वो क्या कहते हैं कि जब हम हैं तो फिर क्या गम है। तो चाहे आप शहर से बाहर हो, सुबह से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, क्या फर्क पड़ता है, बस आपने ना आप से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आप पे में आना पड़ता है। आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। हाँ जी, गला जो है वो ज्यादा खराब हो गया है, फ्लू मजीद बढ़ गया है, मतलब फ्लू नहीं बढ़ा है लेकिन फ्लू की वजह से गला बहुत खराब हो गया है। बट मैंने छुट्टी नहीं की, फिर भी मैं आ गई हूँ। अगर आप लोगों ने छुट्टी की तो बहुत गुना मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। सो बातें बहुत सारी हैं आज भी, खबरें शबर बताएंगे क्या चल रहा है दुनिया में, साथ ही साथ आज के दो टॉपिक्स क्या है वो भी आपके साथ करेंगे शेयर। लेकिन उससे पहले सुनाएंगे आपको एक ट्रैक, और ट्रैक हमारा कौन सा होने वाला है। हाँ जी, ये सर्च करना बड़ा मुश्किल काम है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सर्च व्हिच सॉन्ग शुड आई प्ले टुडे। चैलेंज जी, हमने बहुत दिन हो गए फाखर का कोई ट्रैक प्ले नहीं किया, सो आज हम प्ले करते हैं फाखर का एक ट्रैक, और ये वाला प्ले करें। चलें जी, आप हमने ये वाला प्ले कर देते हैं, कोक स्टूडियो का है। सो अच्छा जी, ये थोड़ा सा मिक्स एंड मैच गाना है, थोड़ा सा यू नो उर्दू भी है और पश्तो भी है। बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे कल कि पश्तो गाना चला दें, पश्तो गाना चला दें। सो चलें जी, हियर वी गो नाउ। सो सुनते हैं इसको, वापस आते हैं, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। ऑल्दो कुछ समझ कुछ नहीं आएगा, पर क्या अब काम की बात करेंगे तो लोगों को जवाब नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। अबे मुश्किल वक्त में, मुश्किल वक्त से आपने क्या सीखा, राइट? तो आप हमारे साथ ये शेयर करेंगे, तो देखते हैं क्या चल रहा है दुनिया में, खबरें शबरें आपको बता देते हैं चल क्या रहा आखिर दुनिया में। कहते हैं पाकिस्तान में अद्वियात बनाने वाली मजीद 3 गैर मुल्की कंपनियों की कारोबार बंद करने की तैयारी। यानी कि ऑफकोर्स उसकी वजह यही है कि चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो सकती हैं डॉलर की कमी की वजह से। सो ज़ारे मुबादला ज़खायर कह रहे हैं 10 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं इस बार, और यही वजह है कि हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब यू नो गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं की जा सकती, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खुराक हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट नहीं की जा सकती हैं। और पोर्ट पर माल जो है, जो इंपोर्ट किया गया था, जो पोर्ट पर माल पड़ा है वैसे ही, क्योंकि उसके लिए डॉलर्स जो है नहीं है हमारे पास कि हम उसको उसकी अदायगी करके और जो है वो तमाम माल जो है, जो सामान है उसको जो है वो हम यू नो अपने मुल्क में वापस लेकर आ सकें, मतलब लेकर के आ सकें, वो तो आया ही हमारे मुल्क में। अरे बीजेम ये बंद हो गया, चैलेंज आ गया। तो हम सुनेंगे बैकग्राउंड में ये वाला ट्रैक। हाँ जी, अभी हम ना शुरू से ही सुनेंगे, आज मेरा मूड है इस गाने को शुरू से सुनने का। 10 बजे की बात हम बैकग्राउंड चेंज करते रहते हैं, बट फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, राइट? मैं गाने से लागे ना गाने में खो जाती हूँ। तो चलिए जी, बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? सो आज बहुत से वाकयात सामने आने की वजह से आपकी ना सिर्फ मसरूफियात में इजाफा हो सकता है बल्कि अपने तयशुदा शेड्यूल पर अमल करना भी मुश्किल हो जाएगा, और आज आप किसी ऐसे कारोबार या पेशा वराना अमूर की अंजामदही के लिए किसी सफर की तैयारी कर सकेंगे जो आपकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित होगा। अपने मामलात की अंजामदही में आपके प्यारों का साथ भी आपको हासिल होगा। ऐसे हालात वाकयात में सबसे बेहतर यह है कि आप अपने आराम का खास ख्याल रखें और ताज़ेदम होकर अपने मामलात में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करें। कुछ ज़ायदा ज़रूरत खरीदारी करने से आप माली दबाव का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए एहतियात करें। वैसे ही बड़ी महंगाई है, महंगाई का रोला है। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? सो पाइसेस वालों, आर यू देयर? तो आज अपने पहले से जारी मंसूबों की तकमील के लिए आप बहुत ज्यादा पुरअज़्म होंगे, जबकि अपनी उम्मीदों के बारे में दूसरों से बहुत सी बातें मालूम करने में कामयाबी का हुसूल मुमकिन बनाने की वजह से मंजिलें आसान हो जाएंगी। किसी सीनियर रिश्तेदार की जानिब से अमली मुआवरत की पेशकश होने के बावजूद आप उसे आड़े हाथों ले सकेंगे, क्योंकि उसकी जानिब से आपके इरादों में तब्दीली पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। तो आज किसी किस्म के झगड़े से गुरेज करें, क्योंकि ऐसी कोई भी हरकत बहुत महंगी पड़ेगी, हत्ता कि आपके ताल्लुकात भी टूट सकते हैं, इसलिए इब्तिदा से ही किसी किस्म की बहस का रास्ता ना खोलें। चले जी, बात हो गई, अब बात करते हैं एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? सो एरीज वालों, आर यू देयर? तो आज आपको अपने घरेलू मसाइल को हल करने के मौके में असर आ सकेंगे। इसके अलावा आप नया घर खरीदने का भी इरादा कर सकते हैं और किसी किस्म की नई सरमायाकारी का फैसला करके उसे अमली शक्ल भी दे सकते हैं।
और साथ साथ आपकी कोई करीबी अजीजा आपके लिए एक मंसूबों से इतफाखरा करेगी, लेकिन आपको उसकी परवाह किए बगैर ही अपने मंसूबों की तकमील की काबिश जारी रखनी चाहिए। और कहते किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात होने की वजह से ना आपको अपने देरीना मरासिम की गर्म जोशी और खुलूस पर रश आ सकेगा, जबकि नए मामला तो बैरून मुल्क सफर का मनसूबा मुकम्मल जज्बात के साथ तय करने में कामयाब हो जाएंगे। बात करेंगे टॉरस की, टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो टॉरस वालों, आर यू देयर? तो आज आपको मौके में ऐसा आ सकेंगे कि आप अपने घरेलू मामलों के अलावा कारोबारी और पेशावराना सरगर्मियों को भी उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। इसके बावजूद आप बहुत ज्यादा पुरअज़्म होंगे और किसी भी किस्म की कमजोरी को खातिर में ना लाएंगे और आसानी अपने अहदाफ के हुसूल में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अपने करीबी अफराद को भी बजा तौर पर मुतहरिक करने में आप कामयाब रहेंगे। आज आपके प्यारों का साथ भी आपको हासिल रहेगा, जबकि आपको दूसरों का इत्तबा करने की बजाय अपने हकीकी ख्यालात और असल तख्लीकी आइडियाज को बरूए कार लाना जरूरी होगा। ऐसा वक्त है कि आप अपने लिए तवील उल मुद्दती मंसूबे बनाकर उन्हें अमली शक्ल भी दे सकते हैं। कल कह रहा था कि मुल्क खतरे में है, पोर्ट पर सामान पड़ा है, पैसे नहीं है देने के लिए और सिर्फ दवाई ही नहीं और बहुत सी कंपनीज बंद हो रही है। दुआ करें अपनी तरफ से काम जो है ना वो ईमानदारी से करें, बस आप अपना हिस्सा अदा करें। सब अपना हिस्सा अदा करेंगे ना तो बस वो यू नो मैं हमेशा मैंने कई बार ये जिक्र भी किया है, देखें हम अगर अपना हिस्सा अदा करें ना ईमानदारी से, हर इंसान ये सोच करके हमारा अपना चाहे कोई कुछ भी करे लेकिन हमें अपना हिस्सा ईमानदारी से अदा करना है, तो फिर आपको अगले की परवाह करने की जरूरत नहीं है। सब अपना हिस्सा अदा करेंगे ईमानदारी के साथ पुरखलूस होकर तो फिर देखें सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करेंगे, परेशान नहीं होते, कहते हैं कि गौर और फिक्र करें, अपनों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो फिर आसानियां हमारे लिए खुद पैदा हो जाएंगी। बस वही बात है ना कि जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहती तो उस कौम की हालत कोई नहीं बदल सकता। बस महबूब खान कहते हैं कि मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है, माशाल्लाह वल्ला हबीबी ठीक लग रही है मेरी तबीयत। ओके चैलेंज अच्छी बात है, अगर आपको मेरी तबीयत ठीक लग रही है एटलीस्ट आई एम साउंड फाइन ना। जब देखो गला खराब फिर आपका क्या मिला गया, इसमें आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से नुकसान हो गए। साथ साथ अंबर आ गई थी, मॉर्निंग बड़ी मॉर्निंग अंबर, क्या हाल है, कैसी आप, ठीक है आप, खैरियत से? गलाम मुस्तफा साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आदाब तस्लीमात मोहतरमा सैयदा फरहान अली साहिबा, सुबह की हसीन बज़्म में खुश आमदेद, शाद आबाद रहे, वालेकुम अस्सलाम जज़ाकअल्लाह। ज़ैदा काश कहते हैं कि कैसी हो आप, मेरी भी आप बहुत शुक्रिया। उमर वहीद कहते हैं कि सलाम गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम। वो जो गाना है ना वो अब भीड़ सा गाना है राइट, कौन सा गाना है, मलंग ढोला या मलंग कौन सा है वो, ढोला प्ले करते हैं आज, बहुत दिन हो गए हमने ढोला नहीं सुना। चाहे ढोला सुने ना सुने बस हम ढोला सुनेंगे। सही है। सो हाँ जी हमने प्ले कर दिया है ढोला और चलिए जी साथ साथ सुनते हैं इसको। एंड मदसर मुनवर कहते हैं अच्छा दीका कहती हैं आप जान मैं अल्लाह गेट वेल सून आई मीन थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया। और साथ साथ काशी खान के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुबह खैर वालेकुम अस्सलाम, अरे 10 बज गए। ओके कहते हैं कि जुमा मुबारक बाजी काशी खान के कहते हैं और साथ में महबूस खान कहते हैं आप आज मैं भी बहुत सैड हूं। भाई आप क्यों सैड हैं, डोंट गेट सैड, हमारा शो सुनने पर भी सैड है, व्हाई इज दैट? सास नंबर कहती है थोड़ी अजवाइन रख लिएगा पान में। ओके साथ साथ इंसाफ हुसैन कहते हैं ये मैंने कहा तो है नहीं कि मैं खाऊंगी पान। वो कराची में बड़ा लोगों को आदत है ना पान खा के पान की पी के दीवारों पर लोगों के घरों की छतों पर सब जगह यू नो माशाल्लाह सो लिटरेट। ओके साथ आप कहते हैं कि सैलरी का ज्यादा हिस्सा उसी चीज पर खर्च होता है कि जिस चीज पर हम लड़के लोग ऑफिस जाते हैं, यानी कि आपकी सवारी बाइक या कार जो भी व्हाटएवर है ना। ओके तो मतलब पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि सैलरी का ज्यादातर हिस्सा पेट्रोल पर खर्च हो जाता है, ना करें इतनी दुनिया हो रही है। साथ साथ आप इतने कहते हैं अरे मैं देता हूँ टिप आपको, हाँ आप मैं स्वाक को गले में डाल करना घुमा दे अच्छी तरह फिर कमाल देखे। हद हो गए। ओके चलें जी गाना प्ले करेंगे, 10 बज चुके हैं, आप इतने कहते हैं हाँ जी आप तो बता दिया। इतनी बड़ी बोंगी मारी ना आपने। ओके उमर भाई कहते हैं हमारे तो हालात ऐसे टाइट चल रहे हैं कि सारी सैलरी ना हालात सेट करने में लग जाती है, देन नेक्स्ट सैलरी का वेट करते हैं। ओके चलें जी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, हम दुआ करते हैं आपके लिए। साथ साथ
और कौन है? अच्छा गाना खत्म हो गया, ओ बाय सरमत कदीर। सो हाँ जी, फरमाइश आ गई हमारे पास व्हाट्सएप पे, किसी ने कहा ना कि व्हाट्सएप चेक करें। तो वही देखें, आ गई फरमाइश और हमने कर दिया प्ले। दिस इज एरोबलेंस। बट फिर भी कोई बात नहीं, हम सुनते वापस आते इसके बाद। आपने कहीं जाना पता है ना भाई, देखे इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी भाई। देखे गला खराब है, आपने कहीं नहीं जाना। आज चाहे गला हमारा खराब है, लेकिन फिर भी आपने कहीं नहीं जाना। कहीं जाएंगे तो बिस्ताएंगे।